बॉयज एंड गर्ल्स व्हाट्स अप, इट्स योर बॉय रियल क्रीपी। मैं आज स्ट्रीम नहीं कर रहा हूं, बट मैंने सोचा कि एक एक वीडियो डालना जरूरी है। बेसिकली बॉयज एंड गर्ल्स, दिस वीडियो इज ऑल अबाउट एक्सरसाइजिंग योर राइट टू वोट। ओके, कल फेज टू है इलेक्शंस का, जिसमें कि बहुत सारी कॉन्स्टिट्यूएंसीज वोट पे जाने वाली हैं। कर्नाटका में एटलीस्ट 14 कॉन्स्टिट्यूएंसीज वोट पे जाने वाली है, जहां मैं रहता हूँ। कल बैंगलोर में वोटिंग है। बॉयज एंड गर्ल्स, मैं आप सबको बोलना एक कुछ बातें बोलना चाहता हूं, तो मैंने सोचा कि मैं ये वीडियो बनाता हूं। इस वीडियो में कोई ब्रेक नहीं होगा, कोई कट नहीं होगा। मैं यहां बैठ के अपने दिल की बात आपसे 5 मिनट करूंगा और फिर मैं चला जाऊंगा। इस वीडियो को इतना शेयर करना कि सारे लोगों को ये जानकारी मिल जाए। बेसिकली वोटिंग 7 फेजेस में होती है। ऑलरेडी एक फेज कंप्लीट हो चुका है। मैं आई एम सॉरी कि मैं ये वीडियो उसके पहले नहीं बना पाया, बट कल फेज टू की वोटिंग है। अगर आप फेज टू में हो तो आई अर्ज यू टू गो आउट एंड वोट। मैं आपसे विनती करता हूं कि आप जाके अपना वोट एक्सरसाइज करें, और अपना वोट कैसे एक्सरसाइज करना है ये मैं आपको बताता हूं। तो बेसिकली मुझे पता है कि पॉलिटिक्स में बहुत ड्रामा चलता रहता है इंडिया में, और वो एंटरटेनिंग होता है, यस, बट आप एंटरटेनमेंट के बेसिस पे प्लीज वोट मत डालिएगा। आप प्लीज वोट डालिएगा इस बेसिस पे कि आपका लोकल कैंडिडेट कौन सा सबसे अच्छा काम करेगा आपके लिए, जो आपको लगता है कि कौन सबसे ज्यादा तरक्की करेगा आपके एरिया के बारे में, उसको ज्यादा वोट डालिएगा। मैं डिस्क्रिप्शन में 2-3 लिंक्स डाल दूंगा बॉयज एंड गर्ल्स, जहां पे तुम लोग चेक कर सकते हो कि तुम्हारा लोकल कौन सा कैंडिडेट है, तुम्हारा कौन सा कैंडिडेट का कितना फाइनेंशियल बिल्डअप है, कितने क्रिमिनल केसेस है उसके। सब मैं पूरा एक लिंक डाल दूंगा बॉयज एंड गर्ल्स नीचे डिस्क्रिप्शन में। मेक श्योर यू गो आउट एंड वोट। वोट करो एंटरटेनमेंट के बेसिस पे मत करो बॉयज एंड गर्ल्स, वोट करो अपने दिल के हिसाब से वोट करो। देखो कौन तुम्हें लगता है कौन सबसे पढ़ा लिखा है, कौन सबसे ज्यादा काम करने की क्षमता रखता है, उस पे वोट करो। मुझे नहीं पता ये वीडियो कितने लोगों तक पहुंचेगा, बट कल बैंगलोर में वोटिंग है। मैं सुबह 7 बजे उठ के वोट करने जा रहा हूँ, इसलिए मैं आज स्ट्रीम नहीं कर रहा हूँ। सो मेक श्योर यू चेक आउट कि मतलब तुम्हारे कॉन्स्टिट्यूएंसी में कौन अच्छा बंदा है जो तुम्हारे लिए काम कर सकता है, तुम्हें लगता है, और उस हिसाब से वोट करो बॉयज एंड गर्ल्स। एंटरटेनमेंट तो चलता ही रहेगा, राहुल गांधी वर्सेस ये वो चलता रहता है बॉयज एंड गर्ल्स लाइफ में, बट मेक श्योर यू वोट फॉर द पर्सन हु हैज इन द पास्ट डन गुड वर्क फॉर योर कॉन्स्टिट्यूएंसी, और जिसने तुम्हारी कॉन्स्टिट्यूएंसी को इम्प्रूव किया है। मतलब जैसे मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी है, मुझे लगता है कि यहाँ पे चीजें बद से बदतर होती चली जा रही है। सो लेट्स सी हम लोग किसको वोट करते हैं। बट हाँ बॉयज एंड गर्ल्स, वोट फॉर लोकल रिप्रेजेंटेटिव बॉयज एंड गर्ल्स, डू नॉट वोट फॉर व्हाट यू कॉल मार्केटिंग, डू नॉट वोट फॉर मार्केटिंग, है ना। तो मेरा यही कहना है तुम लोगों को कि अपना, अगर आप लोग वोट करने के लिए एलिजिबल हो, अगर आप 18 साल से ऊपर हो, तो प्लीज अपना वोटिंग राइट जरूर एक्सरसाइज करें। आप सबको लगता होगा कि मेरा तो एक ही वोट है, मैं उसका क्या करूंगा, मतलब पता नहीं क्या होगा, बट वैसा कुछ भी नहीं है यार। हर एक वोट इंपॉर्टेंट होता है, हर एक वोट एक बात कहता है जो दुनिया की सबसे बड़ी ताकत भी नहीं कह सकती। समझो हर एक वोट में इतनी ताकत होती है जो आप लोग समझ नहीं सकते हो। बेसिकली आपको ये रियलाइज करना चाहिए कि आप एक डेमोक्रेसी में रहते हो, और यू शुड बी थैंकफुल फॉर दैट फैक्ट, और अपने पसंदीदा कैंडिडेट के लिए वोट करें बॉयज एंड गर्ल्स। सारे पुराने मार्केटिंग गिमिक्स और सारी नौटंकी दिमाग से बाहर निकाल के प्लीज अपने अपने मोस्ट फेवरेट कैंडिडेट के लिए वोट करें सब लोग। मेरा आप सबसे हाथ जोड़ के ये विनती है कि जिस दिन भी आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी का वोट आए, उस दिन आप प्लीज जाएं अपने मम्मी पापा के साथ, या किसी के साथ भी आप अगर खुद जाना चाहते हैं तो प्लीज जाएं। अगर आपके पास वोटिंग राइट्स हैं, अगर आप एलिजिबल हैं, तो प्लीज वोट करें, क्योंकि वोटिंग ही है जो इस देश को आप बचा सकती है, और मुझे नहीं लगता और कोई भी चीज इतनी इम्पैक्टफुल है, और है ना। सो यही है बॉयज एंड गर्ल्स, अगर मेरी बात तुम्हें ठीक लगी तो लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, है ना। और बाकी मैं यही अर्ज करूंगा दोबारा एक बार कि अपना, आपको चाहे कोई भी कैंडिडेट ना पसंद हो, आप प्लीज वहां जाएं और अपने दिमाग को यूज करके किसी को भी वोट करें। मतलब बेसिकली दिमाग यूज करने के बड़े तरीके। मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में 2 लिंक्स डालूंगा बॉयज एंड गर्ल्स, जहां पे एक लिंक में मैं तुम्हें बताऊंगा कि हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी, मतलब जहां आप रहते हो उधर किस दिन वोटिंग हो रही है, और दूसरा लिंक में डालूंगा कि आपका लोकल कैंडिडेट के बारे में आपको कैसे पता लगेगा, बेसिकली कि उसके फाइनेंशियल्स कितने हैं, उसके क्राइम केसेस कितने हैं, उसने क्या क्या अच्छे काम किए, उसने क्या क्या बुरे काम किए। वो 2 लिंक्स मैं नीचे डालूंगा डिस्क्रिप्शन में बॉयज एंड गर्ल्स, मेक श्योर तुम लोग वो लिंक्स चेकआउट करो, अपने लोकल कैंडिडेट्स के बारे में जानो। इंडिया में मैंने ये देखा है कि बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं होता कि उनका लोकल कैंडिडेट कौन है, और कौन कौन लोग आपस में लड़ रहे हैं इलेक्शन में, तो उनके बारे में डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन तुम्हें कल मिल जाएगी। बैंगलोर कल वोट करने जा रहा है बॉयज एंड गर्ल्स, सो आई एम गोइंग टू वोट अर्ली इन द मॉर्निंग।
So make sure you also do the same in your constituency. I'm very excited and I'm going to go to sleep now. Ye video mein aise ka aise hi upload kar dunga bas seedhe. And I'm going to go to sleep. Thank you so much for your love and support. Aur please meri ye baat maan lena. Agar tum log dekho main kuch bhi nahi kar raha galat harkatein is video mein. Please 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 meri ye baat maan lena. Apna right to vote zarur exercise karna boys and girls. Tumhara ek right hai, ek vote hai. उसको जरूर 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 एक्सरसाइज करना, 100% एक्सरसाइज करना, बिल्कुल मिस नहीं होना चाहिए बॉयज एंड गर्ल्स, क्योंकि अगर वो मिस हो गया तो अगले 5 साल फिर से तुम ही लोग झेलोगे और कोई नहीं झेलने वाला है. थैंक यू सो मच बॉयज एंड गर्ल्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. अगर तुम यहां तक पहुंच गए हो इस वीडियो में तो बहुत बहुत धन्यवाद मेरी तरफ से एक किसी. बट हाँ, अपना वोटिंग राइट जरूर एक्सरसाइज करना, और स्पेशली अपने सारे फैमिली में जितने मेंबर्स हैं, दोस्त हैं, अगल बगल अड़ोसी पड़ोसी, सबको बोलना कि वो जाके वोट करें. कुछ लोग होते हैं कि ओ मैं वोट नहीं करूंगा. प्लीज प्लीज वोट करवाओ, सबको पकड़ पकड़ के घसीट घसीट के ले जाके वोट करवाओ. अगर तुम्हारे पास कार है, स्कूटी है, बोलो आंटी मैं ले चलूंगा आपको, प्लीज चलो, सबको वोट करवाओ. मैंने आज 4 लोग जो नहीं वोट करने वाले थे कल, उनको घसीट घसीट के मैं कल सुबह लेके जाने वाला हूँ वोट कराने, है ना. सो मेक श्योर यू डू द सेम. अभी 6 और स्टेजेस बचे हैं वोटिंग के. कल सेकेंड स्टेज है, शुरू हो रहा है सेकेंड फेज, और अभी 6 और बचे. तो तुम सबका नंबर आएगा बॉयज एंड गर्ल्स. हैशटैग अपना वोट आएगा करके नीचे चैट कमेंट्स में पेल देना एकदम, है ना, जिसने. और ये वीडियो शेयर कर देना बॉयज एंड गर्ल्स अपने सारे दोस्तों के साथ. बस मुझे आज इतना ही बोलना था तुम लोगों से. आई एम सो टायर्ड, आई एम जस्ट गोइंग टू गो टू स्लीप. वोट 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 वोट, आई कैनॉट स्ट्रेस दिस इनफ. वोट करो बॉयज एंड गर्ल्स, वोट करो, अपना एक्सरसाइज करो राइट, बिकॉज वो सबसे जरूरी कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी है तुम्हारी, और प्लीज उसको करो. Thank you so much boys and girls for watching this video. I will take your leave. Bye. It's your boy Real Creepy. Ta-da. Bye.